Assalamualaikum, good morning class 3, hope you all are fine. I am your SST teacher Arud Yunus. In previous lectures, we studied about solid waste disposal, unit 2, lesson 5. So, we are going to continue it. Open your books. Page 24. Okay, let me explain you again what is solid waste disposal. Solid waste is the rubbish, garbage which government local workers collect from your homes, factories, streets and dispose of it to landfill sites. हमने अपने पिछले lectures में ये पढ़ा कि जो कूड़ा आपके घरों से, सड़कों पे से, फैक्ट्रीज में से कलेक्ट किया जाता है, उनको ट्रक्स में भर के एक ऐसे जगह पर पहुंचाया जाता है जो कि लोगों के रहने की जगह से बहुत दूर होते हैं. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद रीडिंग. आइटम्स मेड ऑफ ग्लास, मेटल, टिन एंड वुड कैन बी रिसाइकल. अब आपको पता है कि रिसाइकल क्या होता है. ऐसी चीज़ें जो आप एक दफ़ा यूज़ कर चुके हैं लेकिन अगर आप उनको दोबारा अपने यूज़ में लाना चाहें तो वो एक न्यू प्रोडक्ट की शक्ल में आपके काम आ सकती हैं, जैसे कि ग्लास, मेटल, टिन और वुड. इसकी बनी हुई चीज़ें दोबारा से आप अपने यूज़ में ला सकते हैं. बोन्स एंड पेपर कैन ऑल्सो भी रिसाइकल. ये जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, पेपर, कागज़ जो आप यूज़ करते हैं, इसको भी हम दोबारा से अपने यूज़ में ला सकते हैं. उससे हम कोई दोबारा से न्यू प्रोडक्ट बना सकते हैं. यू शुड देयरफॉर सॉर्ट आउट योर रबिश बिफोर इट इज़ कलेक्टेड एंड सेपरेट द आइटम्स विच कैन बी रिसाइकल्ड. अब अगर आप कभी भी कोई ऐसी चीज़ फेंकने लगें तो पहले देख लें कि क्या ये आपके दोबारा से यूज़ में आ सकती है. तो उस सबसे पहले अपने गार्बेज को सॉर्ट आउट कर लें, यानी कि वो चीज़ें अलग कर लें जो आपने फेंकनी है और वो चीज़ें जो आपके यूज़ में दोबारा से आ सकती हैं, इससे पहले कि वो आप गार्बेज कर दें. आइटम्स ऑफ रॉ फूड सच एज peelings from fruit and vegetables can be recycled to produce a natural fertilizer called compost. अब आपको पता है कि जो आप फ्रूट्स खाते हैं, जो उनके छिलके होते हैं, peelings यानी कि उनके ऊपर से जो छिलके उतरते हैं, जैसे कि आप बनाना खाते हैं या कोई भी फ्रूट आप खाएं या कोई भी वेजिटेबल, आपको पता है कि उनकी जो peelings हैं, जो छिलके होते हैं उनके, उसको दोबारा से रिसाइकल किया जा सकता है. अब आपने तो कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा कि एक फ्रूट पीलिंग हमारे, वेजिटेबल पीलिंग हमारे कितने काम आ सकती है. उसे हम नेचुरल फर्टिलाइज़र बना सकते हैं. आपको पता है फर्टिलाइज़र्स क्रॉप्स को ग्रो करने में, बेटर ग्रो करने में कितना हेल्पफुल होते हैं. तो अब देखें, जो भी फ्रूट्स हों, जो भी वेजिटेबल्स हों, उनकी पीलिंग से हम एक नेचुरल फर्टिलाइजर्स बनाकर उसको किस तरह से एक यूज़फुल वे में अपने क्रॉप्स ग्रो करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. लुक एट दिस, ही यूजेस कंपोस्ट इन हिज गार्डन. अब देखें, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की पीलिंग से नेचुरल फर्टिलाइजर्स ख़ुद से बना रहा है और अपने गार्डन में प्लांट्स को ग्रो करने के लिए यूज़ कर रहा है. कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन इज़ एवरीबॉडीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब आपको पता है कि अपनी एनवायरनमेंट को क्लीन करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि अगर हम कहीं पे भी कोई चीज़ गिरी हुई देखें तो हम उसको कलेक्ट कर लें. अगर वो फेंकने की है तो उसको आप गार्बेज कर दें, और अगर वो आपके दोबारा से यूज़ में आ सकती है तो उसको रिसाइकल कर लें. थिंक बिफोर यू थ्रो थिंग्स अवे. अगर आप इस तरह से किसी जगह पे कोई चीज़ फेंक सकते हैं तो वो किसी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, जैसे कि अगर
आपने केले का छिलका कहीं फेंक दिया, किसी को नहीं आइडिया, वो अपने मतलब ध्यान में अगर चलता आ रहा है तो वो उससे गिर सकता है। सी चिल्ड्रन रिसाइकल एंड रीमेक, यानी कि हम अपने ऑलरेडी यूज चीज़ों को किस तरह से दोबारा अपने यूज़ में ला सकते हैं। ये देखिए, ये स्टिक्स के साथ एक कितना प्यारा बॉक्स बनाया गया है। ये सीडी के साथ देखें फिश बनाई गई है। ये प्लास्टिक की बोतल है जिसको डिफरेंट चीज़ें रखने के लिए यूज़ किया गया है। ओके चिल्ड्रंस, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।